Good afternoon, sir. Myself, Shivanshu, trade electrician. Today, my topic is classroom lesson method. बंदूक निकल गई बस आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम लेसन मेथड। उसके बारे में जानेंगे हम। यह एक ऐसी विधि है किसमें सही से आगे बढ़े। यह एक ऐसी विधि है जिससे हम सिखाने वाले को अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करते हैं। सही, सही लिखा है। इसको हम प्रैक्टिकल लेसन आई की तरह ही बनाते हैं। इसमें जल्दी डबल एस ओ है। लेक्चर को सुंदर बनाने में उसका ई है, आई एक बनता है लाभदायक है और टीचिंग प्रैक्टिकल के लिए भी लाभदायक है। और इसमें हम हर प्रकार के ज्ञान को सीखते हैं और हमारे निर्णय लेने के लिए भी सहायक है। क्लासरूम मेथड में टीचर और लर्नर के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। जिसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान भी होना चाहिए पढ़ने के लिए और बच्चों ये बहुत जरूरी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में संबंध बनना चाहिए अच्छा। स्तर में परिवर्तन और अनुदेश की ज्ञान को बढ़ाता है। जैसे कोई बच्चा वीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट हमारे इसमें सामग्री की सहायता से इस ग्रुप में ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रुप में कम बच्चे हैं जैसे 15-20 बच्चे हैं तो ग्रुप में सामग्री हम देते हैं कोई बुक है तो उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इसके ध्यान दें अच्छे परिणाम के लिए छोटे ग्रुप का यूज करना चाहिए। बेसिकली बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो अगर छोटे ग्रुप रहेंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। अगर बड़े ग्रुप रहेंगे तो बच्चों को कम समझ में आएगा तो ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। तो और इसमें एक पूरा टॉपिक एक लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा। अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तो पूरा लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग के साथ साथ तालमेल अच्छा रहना चाहिए संबंधित।